गाइस वेलकम टू अनदर डे। सो दिस इज अनदर व्लॉग। तो अभी हम वेट कर रहे हैं 11 के कॉलेज के बाद वैभव की, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं अम्बाला कुछ शॉपिंग करने के लिए। और ये दो जने मेरे साथ मतलब अब अम्बाला जा रहे हैं, वहाँ पे शॉपिंग करनी है, तो देखते हैं। तो आपको हम अम्बाला जाके मिलते हैं। ओके बाय बाय। हम जा रहे हैं अभी अम्बाला जा रहे हैं हम शॉपिंग करने के लिए। तो हम वहाँ पे जाके आपको मिलेंगे। और अभी हम जा रहे हैं, अभी हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया, अभी भूख लग रही है, तो हम सब्वे ढूंढ रहे हैं। अगर कहीं मिलेगा तो वेल एंड गुड, नहीं तो हम कुछ और शायद से खा लेंगे, तो देखते हैं। और अभी इट इज़ अराउंड हाफ एन आवर अवे फ्रॉम हेयर, और हमें ज़्यादा ट्रैफिक नहीं मिला, तो एक घंटा तो लग गया मतलब इन टोटल। तो ओके बाय। A little longer than a few minutes later. We have reached और अब हम जा रहे हैं वॉशरूम हंटिंग के लिए, क्योंकि बहुत देर से हम ड्राइव कर रहे थे ना। और उसके बाद हम ब्रेकफास्ट करेंगे, फिर हम शॉपिंग करनी शुरू करेंगे। तो देखते हैं हम कहाँ कहाँ जाएंगे, क्योंकि हमें यहाँ का कुछ आइडिया नहीं है। ये देखो इस तरह की लहंगे सब कुछ मिलता है यहाँ पे। सो स्टे ट्यून्ड। उसके बाद हम शॉपिंग करेंगे, तो अभी हम खाने खा लेते हैं। मेगा सिर्फ हमें देखेगी बिकॉज उसका पास। ओके बाय, पीस आउट। अभी लहंगा हमने देखा, बहुत सारे लहंगे बहुत प्रिटी हैं। और यहाँ बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पे लहंगे मिलते हैं, वो सब बहुत अच्छे हैं। तो अभी हम कंफ्यूज्ड हैं, अभी हम थोड़े और शॉप्स पे जाके एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद वी विल फाइनलाइज टुडे। और जब मेरा लहंगा फाइनल हो जाएगा देन वैभव की ड्रेस फाइनल होगी। आर यू एक्साइटेड? मुँह पर मक्खी है इसलिए। आर यू एक्साइटेड फॉर योर वेडिंग? उस दिन का डे वेट कर रहा हूँ जिस दिन सब कुछ खत्म होए। ओके सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस, देखते हैं अभी। और अभी मेघा और गए हुए कहीं पे, तो जब आते हैं फिर आगे कंटिन्यू करते हैं अपनी जर्नी। और यहाँ पे गुड, लाइक यू हैव मेनी लाइक एरियाज टू सिट एंड खाने पीने का भी, एंड बच्चों के इन्जॉयमेंट के लिए भी यहाँ पे गेम्स वेम्स हैं। और बाकी सारे अंकल लोग तो बाहर बैठे रहते हैं, रीज़न इज़ वो आंटियों के साथ बोर हो जाते हैं। क्या शॉपिंग करेंगे गाइस? आवर शॉपिंग इज़ डन। मैंने लहंगा अपना फाइनल कर दिया और वैभव ने भी अपने कपड़े वेडिंग वाले डे के फाइनल कर दिए, इंक्लूडिंग एवरीथिंग, ऑल द एसेसरीज एक्सेट्रा। अभी वेडिंग से पहले का सामान रहता है वो हम बाद में लेंगे। बाकी अभी हम सूट्स लेने जा रहे हैं, अभी जाएंगे तो वहाँ जाके हम देखते हैं। और बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो चुके हैं मिस्टर तनवर के। ही इज़ वेरी रिच, सुपर रिच। झूले गाइस, झूले ले लो गाइस, झूले ले लो। तो अभी हम लहंगे का दुपट्टा वापस देने जा रहे हैं, जिसकी डिलीवरी मुझे दिसंबर में मिलेगी। बूट्स लेने थे भाई, ले लो सूट, ये आपको बूट्स दिख रहे हैं। अभी नहीं लेने, अभी शादी है। शादी तो क्या, नहीं नहीं नहीं, बाद में लूंगी बूट्स। अभी लेके गाइस मतलब नहीं, आपको पता ही है। और मेरी बहन की तबीयत थोड़ी ख़राब होते हुए, उसको भूख लग रही है, अभी गाड़ी में उसका सामान पड़ा है, तो वो वहाँ जाकर खाएगी। और बस कुछ नहीं, स्टे ट्यून्ड। सो गाइस अब हम जा रहे हैं घर, तो हमें यहाँ पे सूट पसंद नहीं आए। इस घर जा रहे हैं क्योंकि हमें यहाँ पे सूट पसंद नहीं आए और अब हम थक चुके हैं,
तो अभी शाम हो चुकी है 5:33, सो वी आर गोइंग बैक. A little longer than a few minutes later. हमने सूट्स नहीं लिए क्योंकि पसंद नहीं आए, मैंने आपको बता दिया था शायद. तो अब हम वापस आ रहे हैं, अभी हम एयरपोर्ट रोड से वापस आए हैं, अभी हम हैं सबवे पे वैभव अपनी मील इंजॉय करते हुए, और हम घर जाके कुछ ऑर्डर करेंगे. मेघा की तबीयत थोड़ी ख़राब है तो अभी वो सो रही है कार में, फिर हम अभी घर जाके खाना ऑर्डर करेंगे क्योंकि मेघा और मम्मा का तो फास्ट है. रमन और मैं बाहर से खा लेंगे और पापा भी. ओके बाय. सो गाइज, हम लोग अब आ गए हैं घर अंबाला से अपनी शॉपिंग कंप्लीट करके. कंप्लीट तो नहीं, लाइक आई वुड से वी हैव जस्ट स्टार्टेड एंड वी हैव डन आर लाइक मेन फंक्शंस शॉपिंग एट फर्स्ट, जो कि हो गई, विच इज़ एन अचीवमेंट. क्योंकि फर्स्ट गो में किसी को भी कुछ अपने वेडिंग के लिए कुछ पसंद नहीं आता, बट लकीली हम दोनों को अपनी अपनी आउटफिट पसंद आ गई और हमने फाइनलाइज कर दिया है. तो मेरी आउटफिट एज आई मेंशन प्रीवियसली दिसंबर में मिलेगी और वैभव विल गेट इन 1 वीक और 2 वीक, क्योंकि उसमें ऑल्ट्रेशन वगैरह होनी थी ऐसा कुछ था, उसको जल्दी मिल जाएगी. बट मेरे लहंगा बनने में टाइम लगेगा, तो 2 मंथ्स बोला उन्होंने, तो दिसंबर में मिलेगी वो. उसके बाद ही मैं अपनी सारी ज्वेलरी और सब जो भी मैच करके लेना होता है वो सब तो चलो तभी लेना पड़ेगा. तो ये था. तो अब घर आ गए और अभी हम सब थक चुके हैं. मेघा की तो तबीयत पहले से ही ख़राब थी और मेरे घर आते मेरा भी सर दुखने लग गया, क्योंकि पूरा दिन सुबह से निकले हुए थे. लाइक हम 8:30 अराउंड निकल गए थे और घर आते आते भी हमें 8:30 बज गए, तो 12 घंटे लग गए. तो लग जाता है टाइम तो, बट इट्स गुड कि चलो ये चीज़ हो गई, नहीं तो इसकी स्ट्रेस लग रहता. और थैंक गॉड इस टाइम पे हम जल्दी अभी अक्टूबर में चले गए. अगर मैं जाती दिसंबर में जस्ट इन केस लेने के लिए तो मेरे को तो लहंगा मिलता ही नहीं, बिकॉज लाइक किसी भी शॉप पे चले जाओ दे आस्क मिनिमम लाइक 30 डेज और समथिंग, तो उसमें तो बहुत इशू हो जाता. तो क्योंकि बनने में टाइम लगता है, बट फर्स्ट आई थॉट कि जो पीसेज होते होंगे उसी को वो ऑल्टर करके दे देते होंगे, बट ऐसा नहीं होता. जो उनके पास पीसेज होते हैं ना वो मतलब उन्होंने बस दिखाने के लिए रखे होते हैं और फिर वो सेम वैसा सा आपको बनवा के आपके साइज़ का फिर मिलता है आपको. और अब एक ये चीज़ भी ध्यान रखनी है, वेट गेन नहीं करना है. वेट लूज़ हुआ तो ऑल्टर हो जाएगा, अगर गेन हुआ तो वो मुझे फिट नहीं आएगा. तो ये भी चीज़ एक ध्यान रखने वाली है. और बाकी एक मैं वीडियो बनाऊँगी कोई, है ना, कि लाइक थिंग्स टू लाइक कीप इन माइंड वाई गोइंग फॉर योर लहंगा शॉपिंग और कुछ ऐसे ऐसे करके. मैंने तो चलो फिर भी अपने लहंगे के लिए आई ट्राइड लाइक 3-4 प्लेसेज, देन आई फाइनलाइज वन ऑफ देम. बट वैभव के लिए लाइक एक प्लेस अच्छा था, वहाँ पे मैचिंग हमें सही मिल गया तो फिर हमने वो ले लिया. तो हमें अच्छे अच्छे कपड़े मिल गए, वी आर वेरी एक्साइटेड नाउ. सो लेट्स सी जब बनकर आ जाएगा प्रॉपर कैसी फिटिंग होगी, तो देखते हैं. तो बस यही था, आप थक चुके हैं तो अब सोते हैं. अब फिर बार बार दोबारा से चक्कर अंबाला के और अलग अलग जगहों के लगते ही रहेंगे. तो स्टे ट्यून्ड, यू विल सी लाइक सम मोर दिस काइंड ऑफ कंटेंट इन द कमिंग डेज. ऑब्वियसली शादी होती है तो ऐसी चीज़ें ही अब मैं ज़्यादा रिकॉर्ड करूँगी ना, तो वो सब आपको देखने को मिलती रहेंगी. सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल. ओके बाय गाइस, सी यू.